हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू पॉडकास्ट। और आज के हमारे जो गेस्ट है वो है संदीप झा, संदीप इंस्टीट्यूट से। और आज हम कुछ यूनिक क्वेश्चंस के साथ उनके साथ चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। सो संदीप झा सर, वेलकम करते हैं आपको लास्ट मिनट रिवीजन के पॉडकास्ट पे। हमने काफी सारे गेस्ट को पीछे भी कवर किया था, तो आज हम इस जो पॉडकास्ट है उसमें क्या क्या चीजें कवर करेंगे। एक तो आपकी जो जर्नी है, जो आप एक MNC से सीधा आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए, मतलब एक यू टर्न आपने कर लिया है MNC से डायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जो ये जर्नी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड ऑन कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी होंगे जो एक स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, उसके बारे में भी आज का ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो वेलकम करते हैं सर आपको, और सीधा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का पॉडकास्ट सीधा शुरू करते हैं। सर, आपकी पहले हमें MNC की जर्नी बताइए। MNC में आप कैसे गए, मतलब क्या क्या आपने MNC में किया, आपकी लाइफ जो थी MNC में उसके बारे में कुछ बताइए हमें। श्योर सर। नाउ अब MNC की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने जॉब किया है विप्रो में, ठीक है। और 2014 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इन सॉफ्टवेयर, तो वहां पर इंटरव्यू के थ्रू विप्रो में मेरा जॉब लगा। और आपको पता है कि IT में कैसा सीन है करके, कि आपको 5 days काम करना रहता है और 2 days यू गेट अ वीक ऑफ करके। हमारा ट्रेनिंग पीरियड भी चलता रहता था, और लेकिन एक आदत सी बन गई थी कि जब छुट्टी होगा तो हमारे वहां पर जो लोकल कोचिंग्स होते थे, तो लोकल कोचिंग्स में मैं वहां पर कंटिन्यूसली पढ़ाया करता था थोड़ा थोड़ा करके। और वीकेंड्स के अंदर क्या है ना कि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे तो जनरेट डेफिनेटली होते ही थे, लेकिन मेन मकसद था कि बच्चों लोगों के साथ इंटरेक्शन होना। तो कॉर्पोरेट्स काफी बेहतर चल रहा था, ट्रेनिंग काफी बेहतर चल रही थी। लगभग 6 months की ट्रेनिंग चली, और 6 months की ट्रेनिंग के बाद मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ऐसा करके कि कोचिंग्स के अंदर भी हम काफी बेहतर कर सकते हैं करके। तो पता नहीं क्या मन हुआ कि मैंने वो MNC का जो आफ्टर टाइम पीरियड था, लगभग 1 साल का टाइम पीरियड के बाद मैंने उसको क्विट किया, और कम्प्लीटली फिर मैंने प्लान किया करके कि नहीं, कोचिंग इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाया जाए करके। राइट, तो मतलब टीचर बनने का ख्याल ऐसे पहले से माइंड में चल रहा था कि मतलब MNC में काम करते करते ऐसे लगा कि हम काफी अच्छी तरीके से टीचिंग फील्ड में काम कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ ख्याल था आपके माइंडसेट में कहीं पे पहले, या ऐसे ही मतलब बाय फ्लिक आ गए? अच्छा, ऐसा है कि ना सर, कि जैसे बचपन में सब स्कूल्स में आप देखेंगे टीचर बच्चों को पूछते हैं कि बड़ा होकर क्या बनने का है, बड़ा होकर क्या बनने का। तो मुझे जब मेरे टीचर लोग पूछते थे कि बड़ा होकर बेटा क्या बनेगा लाइन में, तो हम इंतजार करते थे अपनी बारी का कि हम भी बताएंगे हमको बड़ा होकर क्या बनना है। तो मैंने हमेशा अपने टीचर को ये कहा कि मुझे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। मतलब टीचिंग ऐसा मन में कभी ख्याल नहीं था कि टीचर बनना है करके, राइट। तो उसी हिसाब से मैंने मेरा साइंस लिया, फिर मेरे सॉफ्टवेयर में मेरी डिग्री हासिल की। तो टीचिंग पता नहीं क्यों, जब सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में था, तो मेरे जो प्रोफेसर थे जिनके पास मैंने मेरी कोचिंग की थी क्लास 9th-10th में, तो उन्होंने एक दिन मुझे से कॉल किया रैंडमली और पूछा कि संदीप ऐसा ऐसा एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री करके, तो हमें रिक्वायरमेंट है, और तुझे अगर इंटरेस्ट है तो तू पढ़ाएगा क्या? एंड आई वाज लाइक कि सर, मतलब मेरा टीचिंग में कोई खास इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस तो है ही नहीं करके फिलहाल के लिए। बोले नहीं, तू ट्राई तो कर, तू कर सकता है करके। तो एक तरीके का पूछता उनका, और मैंने बोला ठीक है एक बार करके देखते हैं। तो मैंने भी ट्राई कर लिया, तो ट्राई किया गया, और ग्रेजुएशन में स्टूडेंट था मैं वहां पर सर के पास नहीं, मतलब कॉलेज में। और जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो एक नर्वसनेस रहता है, पहली बार आप पढ़ा रहे हो, और काफी काफी फेमस क्लासेस है हमारे उस जगह का। वो तो वहां पर लेक्चर मैंने लिया, लेक्चर लेने के बाद मैंने सर को कहा कि सर रिव्यू ले लीजिए। सर ने कहा कि रिव्यू तेरा अच्छा ही आएगा। रिव्यू लिया तो रिव्यू वॉज पॉजिटिव, और इस तरीके से टीचिंग का मतलब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ वहां से। और धीरे 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 चांस मिलते गए, इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैं टीचर बनता गया स्लोली एंड ग्रेजुअली। राइट, लेकिन खुद के कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने का ख्याल ऐसे पहले ऐसे माइंड में था कि मतलब ये करते करते ऐसे सोचा आपने कि खुद का एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट होना चाहिए? मैं मेरे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि सर के काफी जगह पे ब्रांचेस है, धानु में ब्रांच है, बोल्डी में है, संजान भिलाड़, और काफी ज्यादा आगे भी सर के प्लानिंग है कि अलग अलग एरियाज में ब्रांचेस होने चाहिए। तो ये सर ब्रांचेस का ख्याल कैसे आया, मतलब आपको एक जगह पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि एक ही ब्रांच लेंगे वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर जगह पे मतलब ब्रांचेस खोल रहे हैं,
तो वो उस बारे में भी आप अगर बता सकते हैं कि मतलब आपके माइंड में ये ख्याल कब आया कि खुद की कोचिंग स्टार्ट करनी चाहिए और आजू-बाजू के सारे एरियाज में आपके ब्रांचेस को बढ़ाना चाहिए, क्या उसके पीछे कुछ वजह थी या ऐसे कुछ रीजंस थे कि स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से आपने सोचा था, उसके बारे में अगर बताएंगे तो अच्छा होगा। श्योर सर। अभी हुआ कुछ ऐसा कि लगभग 2015 के अराउंड में मैं मुंबई में मेरा पूरा का पूरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ, और 2015 में मैंने प्लान किया शिफ्ट होने का यहाँ पर नई लोकेशन पर। बॉर्डर है, उमरगांव जगह है, और उमरगांव में लगभग मैंने 8-9 साल तक कोचिंग में जॉब किया। डेफिनेटली हैव वर्कड आउट। और 8-9 साल काम करने के बाद फिर मन में आया करके कि यार अब तो एटलीस्ट अपना भी प्लान आउट करना चाहिए। तो म्यूचुअली हमने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि आप सेपरेट होकर अपना एक खुद का ही कोचिंग होना चाहिए। तो जो सबसे पहला सेंटर जो एस्टेब्लिश किया, उसको ग्रो किया, वो था दहानू सेंटर। दहानू आपको पता होगा तो महाराष्ट्र का बॉर्डर है ऑब्वियसली। और फिर वहां से 2022, 29th of May 2022 में मैंने मेरा पहला कोचिंग स्टार्ट किया, और 23 में जाकर मैंने वापस से दो ब्रांच स्टार्ट किए। आज 2024 है, तो मेरे पास लगभग लगभग 5 ब्रांच है इस वक्त करके, 5 ब्रांचेस में हैंडल कर रहा हूँ। तो काफी वाह, बेहतर है, चल रहा है, इट्स गोइंग गुड। यस। एंड मतलब अभी जो रिसेंटली कोचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या ये कोचिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या एक अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिकॉज आजकल आप देखते हैं कि स्टार्टअप का जमाना है, तो ऐसे अगर कोई अगर करना चाहता है रिसेंटली, उसके माइंड में काफी सारे ख्याल आते होंगे कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे ये जर्नी आगे बढ़ेगी, तो ऐसे लोगों के लिए आपके तरफ से कुछ स्पेसिफिक टिप्स, बिकॉज आपने ये काफी सारी चीजें अचीव कर ली है ऑलरेडी, तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहे जो ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और एक स्टार्टअप के बेस पे अपना बिजनेस मॉडल डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? बहुत सही क्वेश्चन पूछा है सर, क्योंकि बहुत सारे मतलब कोचिंग को आप ऐसा किस पर्सपेक्टिव देख रहे हो, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग्स हैं जो अपने फ्रेंचाइजी सेल करते हैं, ठीक है। अभी मैं अपना ब्रांड बना रहा हूं, मतलब मैं अपने अपने काम की शुरुआत की है। कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी बिजनेस में, मतलब मैं सिर्फ कोचिंग की बात नहीं करूंगा, जनरली भी अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति को सबसे पहली चीज जो ध्यान देनी चाहिए एक्सपर्टीज के ऊपर। जैसे अगर मैं टीचिंग कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, तो मेरा खुद का टीचिंग बैकग्राउंड पहले है या नहीं है, या सिर्फ मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं कोचिंग चालू करना चाहता हूँ, टीचर लोग को रख के पढ़ाना चाहता हूँ। अगर ये माइंडसेट है तो आप बिल्कुल भी कोचिंग इंडस्ट्री में एंटर मत करो। तो आपके मन में सबसे पहला चीज होना चाहिए कि मुझे सर्विस देना है, नंबर वन। दूसरा, आप एटलीस्ट इस इंडस्ट्री के अंदर 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस कम से कम ले लीजिए सबसे पहले, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में टीचर का रोल क्या होता है, प्लस आप किसी न किसी कोचिंग्स के अंदर प्रॉपर तरीके से चीजों को सीखे और समझे। कोचिंग स्टार्ट करना मतलब एक दुकान खोलने जैसा है, दुकान आपने खोल दिया, लेकिन आप लोगों को अपने सर्विस के प्रति कॉन्फिडेंस कैसे दिलाएंगे करके कि आप बहुत बेहतर पढ़ाते हो, अनलेस एंड अंटिल आपने उस मार्केट में सर्व ही नहीं किया हुआ। तो सबसे पहली चीज है करके कि आप अपना जो आपका एजुकेशन है, अगर वो एकदम कंप्लीट हो चुका है तो आप 7-8 साल कम से कम उस इंडस्ट्री में पढ़ाइए, एकदम जी जान लगा के पढ़ाइए। और हमेशा इस बात पर ध्यान दीजिए करके कि मेरे पढ़ाने की वजह से बच्चों के अंदर कितना बदलाव आए। फिर डेफिनेटली आपके पास अगर एक्यूमुलेटेड फंड्स है तो आप एक छोटे से कोचिंग के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोचिंग चलता है 2-3 चीजों के वजह। डेफिनेटली फंड्स बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टीम। अगर आपके पास टीम नहीं है तो समझ लो फिर वो कोचिंग नहीं, वो ट्यूशन है। इट इज लाइक अ सेल्फ एम्प्लॉयड, कहते हैं ना कि मैं हूं तो दुकान खुलेगा और मैं नहीं तो दुकान आज बंद करके, तो ये फिर कोचिंग इंडस्ट्री नहीं हुई करके। तो आपको एक बहुत बेहतरीन टीम डेवलप करनी पड़ेगी। टीम का भरोसा आपके ऊपर होना, आपका टीम के ऊपर भरोसा होना, ये सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी फैक्टर्स है। और इन हर चीजों के ऊपर काम करते करते आप धीरे धीरे 1 से 2 बच्चे, 2 से 200 बच्चे, 2 से 2,000 बच्चे तक भी पहुंच जाते हो। तो पहला चीज ध्यान रखिए क्वालिफिकेशन आपका, दूसरा एक्सपीरियंस लीजिए, तीसरा टीम बिल्डिंग पर ध्यान दीजिए, एंड देन आप कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर कीजिए। आप काफी सक्सेस करोगे डेफिनेटली। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो लोगों को पैसा पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट्स आर रेडी टू पे, पेरेंट्स आर रेडी टू पे, बट डेफिनेटली दे वॉन्ट कि उस पैसे का वर्थ उनको वापस से मिले, ना सिर्फ टाइम पास होगा। तो परफेक्ट सर, आइए, वेल कोचिंग वेल, इंडस्ट्री डेफिनेटली बहुत अच्छा है, ग्रो बहुत कर रहा है। जबरदस्त आंसर किया सर। सर आपके पीछे जो बैनर दिख रहा है मुझे, उसमें आपने लिखा है ड्रीम मेडिकल थिंक संदीप,
एंड उसके नीचे लिखा है NEET। तो जैसे हम इस पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी फिलहाल आया, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ सर, कोटा एक एजुकेशनल हब माना जाता है या JEE एंड NEET के लिए बहुत सारे बच्चे मतलब ऑल ओवर इंडिया से वहां ट्रेवल करते हैं, वहां पे जाते हैं और वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस भी है, तो ऐसा स्पेसिफिक कोटा में क्या है और वो आप मतलब जो आपने ब्रांचेस फिलहाल खोले हैं उसमें आप कोटा लेवल की टीचिंग प्रोवाइड करने के बारे में ड्रीम करते हो या ऐसे कुछ आपके माइंडसेट में प्लान्स है कि मतलब बच्चा इतना दूर ना जाए, वही सारी चीजें अगर हम उनको यहाँ पे प्रोवाइड करें तो ऐसा इस बारे में मतलब ऐसा वहां पे स्पेसिफिक क्या चीजें है कि बच्चा वहीं पे जाके क्लियर करना चाहता है, या ऐसा कुछ माहौल बन गया है वहां पे या एटमोस्फियर है या जो बिलीफ है लोगों का कि वहां जाके क्लियर होता है, तो उसके बारे में थोड़ा लाइट डालेंगे तो ज्यादा बेटर होगा सर। श्योर सर, मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो सवाल है ना सर, एक पॉलिटिकल सवाल भी है और कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी इसको आप कह सकते हो करके कि इसके ऊपर जवाब देना। बट यस, कोटा आज के डेट में हब तो है सर, मतलब पूरे हिंदुस्तान से लाखों की तादाद में बच्चे जाते हैं। आप देखो एक तरीके से पूरा का पूरा उस सिटी का इकोनॉमी कोचिंग क्लासेस हैंडल कर रहा है, करेक्ट? बराबर। जैसे आपने कुछ कोचिंग्स के नाम लिए जो बड़े बड़े कोचिंग्स है, लेन आकाश ऐसे जो बड़े बड़े कोचिंग्स है करके, देखिए सब लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और बंसल सर जो है वहां पर, जो हमारे बीच नहीं है, बंसल सर जी ने कोचिंग की शुरुआत कोटा में डेफिनेटली की, उसकी नींव डाली जो आज इतना बड़ा हब बनकर आ चुका है करके। लेकिन क्या है ना सर कि ये जो टीचर्स आप देखते होंगे कि ATN टीचर्स पढ़ाता है तो कोटा ही लोग क्यों जा रहे हैं करके, तो आपने खुद एक शब्द का यूज किया, एटमोस्फियर, माहौल, करेक्ट? राइट। आप देखेंगे हमारे आसपास हम लोग के घरों में ही चीजें बहुत बेहतर होती है, लेकिन फिर भी हम लोग स्पेसिफिक मंदिर के पास क्यों बहुत सारा क्वांटिटी में जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो माहौल होता है, जो लगता है कि हमको यहीं से प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है करके, तो उन लोगों ने एक माहौल जैसा बना दिया। लेकिन एक टाइम था सर कि लिटरली चीजें बहुत डिफरेंट थी कोटा में, लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं है। अब मैं पहले जैसे नहीं है कहने की मतलब ऐसा नहीं कि टीचर्स नहीं है या फिर कोचिंग्स नहीं है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन आज कोटा के बाहर भी एक से एक बेहतरीन कोचिंग एंड टीचर्स है। इसके लिए आप देखोगे ना कि वही कोचिंग जो कोटा में पढ़ा रहे हैं उनको भी बाहर आने की जरूरत पड़ गई है। आज हमारे कोचिंग्स के आसपास भी ये बड़े बड़े कोचिंग्स आके अपना कोचिंग क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेट सी बात है लोगों के अंदर ये अवेयरनेस है कि जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पढ़ू वहां पढ़ू। मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ सर, हमारे यहाँ पर गाँव से ही पढ़ा हुआ एक बच्चा मेडिकल के एग्जामिनेशन में 649 मार्क्स लाता है। अब 649 मार्क्स लाने के लिए अगर वो उसी जगह पर कोटा में जाता तो इन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो सिर्फ खाने पीने का खर्चा उसका महीने का 15,000 से 20,000 रुपए का, मतलब साल का 2.5 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए उसकी फीस, तो 4.5 लाख रुपए एक साल, 2 साल वहां पर करेगा तो 9 लाख रुपए सर अगर वो खर्चा करेगा, तो एक एवरेज व्यक्ति 9 लाख रुपए कहां से अफोर्ड करेगा। तो मैं हर स्टूडेंट से हमेशा यही कहता हूं कि अगर आपका होना होगा तो आप जहां से पढ़ रहे हो, जिस शहर से बिलोंग करते हो, आप वहीं पर रहिए, वहीं से पढ़िए, वहां के किसी एक बेहतर कोचिंग क्लासेस को पकड़िए, आपको रिजल्ट वहीं से मिलेगा। ऐसा नहीं है करके कि मैं कोटा जाऊंगा तो मुझे कोटा से ही सिलेक्शंस मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कोटा माहौल देता है, मतलब कॉम्पिटिशन यार हवा में, लाखों के बच्चे, मतलब माइंडसेट ही है कि यहाँ आए तो पढ़ना ही है करके, पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि लाखों के बच्चे भीड़ में जाते ना सर तो सारे के सारे सेलेक्ट होते हैं। तो मैं हर बच्चों से, हर पेरेंट से यही कहूंगा करके कि जबरदस्ती जबरदस्ती कहीं से भी चीजों को कर्जा लेकर अफोर्डेबिलिटी शो करके बच्चों को लाखों लाखों पैसा देकर वहां भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे के अंदर काबिलियत है, क्षमता है, तो मैं कहूंगा घर के पास में एक छोटा लोकल कोचिंग भी, अगर वहां पर एक बेहतरीन टीचर है जिनके पास एक अच्छी टीम है तो आप उनके पर भरोसा करिए, डेफिनेटली आपके बच्चे वहीं से क्वालिफाई करेंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। वेल सेड सर। सर ये जो मेडिकल में बच्चे एडमिशन लेते हैं मतलब MBBS करने के लिए, उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं एंड प्राइवेट कॉलेज होते हैं, तो बच्चे बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही एडमिशन लेने मतलब क्यों ऐसा प्रीफर करते कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना है, क्या ऐसा कुछ डिफरेंस है क्या इसमें, मतलब फी स्ट्रक्चर वाइज तो डिफरेंस हम मान सकते हैं, बाकी के चीजें अगर ऐसी कुछ है कि प्राइवेट में वो नहीं है जो गवर्नमेंट में है, उसके ऊपर अगर आप मतलब थोड़ा सा कुछ बात बता पाए तो ओवरऑल एक पिक्चर क्लैरिटी होगा और बच्चों को भी डिसाइड करने में थोड़ा हेल्प हो पाएगा। श्योर सर। नाउ ये जो सवाल आपने किया कि गवर्नमेंट एंड मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल सीट के लेकर, तो कुछ चीजें हमको और समझनी होगी इसके अंदर।
गवर्नमेंट सीट्स होती है, फिर एक सेमी गवर्नमेंट सीट्स भी होती है, और देन कंप्लीटली प्राइवेट सीट्स होती है करके। जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, बट गवर्नमेंट ने अब ऐसा कुछ कंपलसरी किया है कि जितने भी प्राइवेट सीट्स हैं उनको भी, उनका भी जो 50% कैपेसिटी है वो गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही फिल उनको करना है करके, विच इज अ डेफिनेटली गुड डिसीजन। और इसका बेनिफिट बच्चों को होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहां पर आप एक प्राइवेट कॉलेज की फीस देखेंगे ना सर, तो लगभग 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक जा सकता है, ओके और उसी जगह पर एक गवर्नमेंट कॉलेज की फीस अगर आप देखेंगे तो 1.5 से 2 लाख में उनका पूरा का पूरा मेडिकल एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है, राइट। अच्छा ओके रही बात प्राइवेट कॉलेज की फैसिलिटी एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फैसिलिटी, तो मैं कहूंगा दोनों की फैसिलिटी काफी बेहतरीन होती है, टीचिंग क्वालिटी बहुत ही ऑसम होती है, सारी की सारी सुविधाएं होती है। सिर्फ और सिर्फ यही है करके कि गवर्नमेंट को एफोर्ड सब लोग कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा करके कि हर बच्चों को एक बात ध्यान रखना है कि दो जगह होती है, उसमें से कहीं एक ताकत होनी चाहिए, या तो यहां होनी चाहिए ताकत या तो जेब में ताकत होनी चाहिए। अगर राइट दोनों के दोनों खाली है तो ना तो गवर्नमेंट मिलेगा ना तो प्राइवेट मिलेगा करके। तो अगर आपके पेरेंट्स के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन, और आपका मन भी है कि मुझे गवर्नमेंट, मतलब मुझे मेडिकल ही करना है करके, और 1 करोड़ 2 करोड़ एफोर्ड कर सकते हो, आपके मार्क्स 300 350 ही बन पा रहे हैं, तो डेफिनेटली चाहिए। लेकिन पेरेंट के पास पैसा नहीं है तो बच्चों मैं कहूंगा अगर आपका नहीं हुआ तो आप एक ड्रॉप लीजिए, सेकेंड ड्रॉप लीजिए, थर्ड ड्रॉप लीजिए। कभी कभी चीजें एक दो बार, कहते ना करके टाइम भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है सर, क्यों कहा जाता है टाइम इज मनी। तो अगर राइट कभी कभी कोई बच्चा 2 साल 3 साल इन्वेस्ट करता है ना, तो मैंने देखा है करके कि जहां पर उसको 500 मार्क्स आया था, 600 मार्क्स आया था, वो 700 तक पहुंच जाता है आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद उसको कौन पूछने वाला है कि तेरा उम्र इतना हो गया, तू तो एमबीबीएस इतना लेट बना करके। अरे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो गया एट द एज ऑफ 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, कोई नहीं पूछने आता। तो राइट समय दो अपने आप को, इन्वेस्ट करो, थोड़ा रुको, वेट करो, और गवर्नमेंट सीट डेफिनेटली निकालो, निकलता है करके। बट अगर पैसे हैं और आपको फटाफट करना है तो गो फॉर इट। और मेडिकल्स के लिए एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि एमबीबीएस ही है, बीएएमएस, बीएचएमएस और भी ऐसे मेडिकल्स कोर्सेस हैं जो बच्चे डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। रेस मत बनाइए इसको कि एमबीबीएस ही सब कुछ है, बहुत सारे और भी मेडिकल्स एंड पैरामेडिकल कोर्सेस है जिसमें बच्चे ऐसे मेडिकल करियर्स अपना बिल्ड कर सकते हैं और कम पैसे में बिल्ड कर सकते हैं, जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है। तो इसके लिए जो हमारे जैसे टीचर्स हैं, हम तो डेफिनेटली गाइड करना चाहते हैं, बट पेरेंट्स, पेरेंट्स भी हमारे, हम जो गाइडेंस सेशंस रखते हैं, सेमिनार्स रखते हैं, उसमें अटेंड करते हैं और हम उनको गाइड करते हैं इन चीजों के बारे में, एंड दे डेफिनेटली लाइक इट करेंगे। राइट वेल सेड वेल सेड। काफी अच्छी तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया है, एक क्लैरिटी आ जाएगी लोगों के माइंड में इसके बेस पे। सर कुछ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग के बारे में थोड़ी छोटे से डिस्कशन करते हैं। बिकॉज क्या है, अभी अगर हम देखें तो मतलब आप यूट्यूब अगर खोल के देखेंगे तो मतलब काफी सारे बड़े ब्रांड्स आज यूट्यूब पे भी अपने चैनल के साथ लाइव सेशंस ले रहे हैं, काफी सारे ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं। एंड कोविड के बाद कंपैरेटिवली अगर देखें तो ऑनलाइन कोचिंग ये इंडस्ट्री जो है मतलब काफी आगे बढ़ गई है। तो आपको क्या लगता है, मतलब एज अ एंटरप्रेनर आप भी कोचिंग फील्ड में है, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन में जाना चाहिए कि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मिक्स होना चाहिए, या सिर्फ ऑफलाइन के ऊपर फोकस करना चाहिए? इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है, इसके क्या एडवांटेजेस है, और ये ऑनलाइन इंडस्ट्री आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में कहाँ होगी, तो उसमें आपका रोल क्या हो सकता है? मतलब आप अपने संदीप इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन लेना चाहोगे कि नहीं, और उससे बच्चों को कैसे बेनिफिट मिल पाएगा? थैंक यू सर फॉर ब्रिंग दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देखेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग का जो बूम हुआ है ये मेनली लॉकडाउन के टाइम से हुआ है, क्योंकि सबके पास इजी एक्सेस टू डेटा हो गया, मोबाइल फोन हाथ में आ गए, और ये बहुत जरूरी था मुझे लगता है, कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन कह सकते हैं आप, एक नया एरा शुरू हो चुका है ऑनलाइन का, करेक्ट। तो जहां तक लोगों को, जो जो हमारे जैसे ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में थे उस टाइम पर, तो मैं जॉब में ही था, तो हमें कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कि यार हमारे पास इतना फंड्स नहीं है, हमने ऑलरेडी ऑफलाइन में इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑल ऑफ सडन कैसे ऑनलाइन चले जाए करके, फिर इतने सारे टेक्नोलॉजी, फिर मार्केटिंग, ये वो, बच्चों तक पहुंचना, आदत नहीं है हमको। तो हम लोग कहीं ना कहीं उस टाइम पर बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे थे, पीछे जा रहे थे हम। बट जैसे लॉकडाउन कंप्लीट हुआ ना सर, तो एक बात पता चला करके कि एक बहुत बड़ा एजुकेशन गैप आ गया था बच्चों के अंदर, एक बहुत बेकार सी आदत बच्चों को लग गई थी, और जिसकी वजह से ऑनलाइन में, ऑनलाइन की आदत हमारे पूरे देश को कभी थी ही नहीं करके पढ़ाई करने की, तो
तो वो चीज की वजह से कुछ लोग जो कहते हैं ना सेलेक्टिव लोग, जो लोगों को आप अगर टीचर अगर कम भी मिले ना तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन वो ग्रुप जिनको एक्चुअली में टीचर की जरूरत होती है, उन लोगों ने बहुत सफर की। तो जब लॉकडाउन कंप्लीट हुए, लॉकडाउन के बाद आप फेस देखोगे तो ऑनलाइन कोचिंग का जो डिमांड है वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ करके, तो जिसकी वजह से आप कोई भी ऑनलाइन कोचिंग की आप बात कर लो, जिन लोगों ने भी ऑनलाइन शुरू किया था, इंस्टेंटली उन सब लोगों ने अपने अपने ऑफलाइन सेंटर अनाउंस करना चालू कर दिए। आज के डेट में एक दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन जाइंट जो हमारे ही देश से, आप उनकी हालत देखिए करके, एक टाइम पर उसका जो वैल्यूएशन $22 बिलियन टच कर रहा था ऑनलाइन मतलब कोचिंग में, आज $1 मिलियन में भी कोई इसको खरीदने के लिए रेडी नहीं है। तो ऑनलाइन कोचिंग जो है कंप्लीटली हम उसको डिपेंड नहीं रह सकते, हम कह सकता हूँ सैंडविच चल सकते हैं। तो जैसे इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर हम देखें कि आज हम जब खाना खाते हैं तो सारे के सारे मिनरल्स विटामिन या पौष्टिक आहार जब हमको नहीं मिलता है तो हम बाहर से एक प्रोटीन का डब्बा रख लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सप्लीमेंट है ये, तो सप्लीमेंट आपके जो नीड है जो गैप रहेगा उसको फुलफिल करेगा। तो किसी रीजन के वजह से आज मेरा लेक्चर मिस हो गया मेरे कोचिंग क्लासेस में, तो हमारे जैसे कोचिंग क्लासेस कोशिश कर रहे हैं अभी भी हम लगे हैं इस चीज के अंदर कि अगर मेरा आज का लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए तो जो बच्चा किसी रीजन के वजह से एबसेंट हो गया तो वो टीचर के प्रेशर में ना रहे कि मैं कैसे रिवाइज करूं, मुझे कोई पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, तो वो डेफिनेटली उसको ऑनलाइन रेफर कर सकता है। तो ऑनलाइन रेफरेंस के लिए सर सबसे बेस्ट है पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहूंगा करके कि बहुत सारे कोचिंग ने बहुत मेहनत करके कंटेंट डेवलप किया और कोर्सेज को बहुत लो लेवल पर लेकर आए, मतलब कुछ कोचिंग्स जो ऑनलाइन कोर्सेज को 40-40 हजार लाख लाख रुपए में बेच रहे थे, वहां पर आप देखो कि कुछ लोगों ने डेफिनेटली हार्डवर्क करके उसको 5-5 हजार 10-10 हजार में सेल किया। बट वही चीज है करके कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ लेते हैं, कहीं से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एवरेज एंड बिलो एवरेज बच्चे हैं ना सर, कहते हैं ना कि हाथ पकड़ के पढ़ाना पड़ता है, वहां पर उनको हमारे जैसे ऑफलाइन कोचिंग की ही जरूरत पड़ती है। तो मेरे बैच में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन लोगों ने ऑनलाइन कोर्स भी लेके रखा हुआ है और हमारे पास भी पढ़ने आते हैं, तो उन्होंने लेके इसके लिए रखा है कि उनको लगता है कि सर सस्ता है तो ले लिया करके, बट समझता तो ऑफलाइन में ही है, क्योंकि वहां पर सर फिजिकल एक जो कनेक्शन कहते हैं ना टीचर के साथ, वो बनाना ऑनलाइन में सर मुश्किल है। आप कितना कमेंट करोगे ना टीचर को, तो वो कमेंट करने में डेफिनेटली मजा आता है। तो रिविजन परस्पेक्टिव इट इज ऑसम, अगर आप स्मार्ट इनफ हो कि आप उतना उतना टाइम डिवोट कर सकते हो, इट इज ऑसम, लेकिन एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए सर ऑनलाइन कोचिंग मुझे नहीं लगता कि अभी भी सक्सेस है, वहां पर उन बच्चों के लिए ऑफलाइन कोचिंग ही सक्सेसफुल है सर। तो हम भी कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में हम भी ऑनलाइन कोचिंग में आए, लेकिन सैंडविच में रहे, मतलब कंप्लीटली मतलब ऑनलाइन। हम ये कह सकते हैं सर कि हाइब्रिड मोड पे चलना चाहिए, यस 60% हम ऑफलाइन में जाएं और एक 40% के आसपास हम ऑनलाइन, वो एक हेल्पिंग हैंड होगा बच्चों के लिए यस कि यस उनको रिविजन्स अगर करने हैं, एग्जाम से पहले कुछ चीजें रिवाइज करनी है तो वो अगर वो सेशंस देख लेंगे तो उनकी चीजें जो है वो रिवाइज हो जाएगी। और वैसे भी अभी जब भी हम वीडियोस देखते हैं तो सबसे पहले हम वीडियो का टाइम देखते हैं कि कितना बड़ा वीडियो है। आजकल का ट्रेंड आप सभी को पता है, रील्स का जमाना है, जितना कम छोटा वीडियो बनाएंगे उतना बच्चे मतलब एंजॉय करके पहले टाइम लिमिट देखते हैं। सर थोड़ा एक स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे आप साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हो, मैं कॉमर्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ, तो ये जो बच्चे आफ्टर 10th जब स्ट्रीम डिसाइड करते हैं, बेसिकली मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है कि कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना ओवरऑल स्ट्रीम कौन सा लेना है वो पता है, आधा तो बाय फ्लो में चलता है, मतलब उनके फ्रेंड्स ने क्या लिया है वो चलता है, और ओवरऑल ऐसा रहता है कि अगर आपको समझो 10th स्टैंडर्ड में 75%, 80%, 90% मार्क्स मिला है तो आप अगर साइंस स्ट्रीम लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर कॉमर्स या नीचे वाले आर्ट स्ट्रीम को, जैसे ये स्ट्रीम को भी डिवाइड किया गया ना 1, 2, 3 ऐसे बेस पे, तो ऐसा फिलहाल हमारे बेस पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे डिवाइड करते हैं कि पहले नंबर पे साइंस है, फिर कॉमर्स है, फिर आर्ट्स है। तो अगर कोई बच्चा 80-85% मार्क्स लाता है और वो अगर समझो आर्ट्स ले लेता है तो सब उसको आजू बाजू वाले कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं, अरे इतना परसेंटेज आया तो भी तूने आर्ट्स क्यों ले लिया, तो तूने साइंस लेना चाहिए। तो इसके बारे में मतलब ऐसा क्या, मतलब क्या है, एक माइंडसेट बन चुका है कि इसको कैसे कर सकते हैं, या ओवरऑल ये स्ट्रीम जो डिसाइड करने में लोग बहुत मतलब माइंडसेट में उनके लगता है कि क्या लेना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मतलब। सर जैसे स्ट्रीम सिलेक्शंस आपने कहा करके, ठीक है,
ये प्रॉब्लम किसी एक स्टूडेंट की नहीं है या एक सोसाइटी की नहीं है, प्रॉब्लम पूरा एशिया का है सर। ये बराबर एशियन एशियन पेरेंट्स का माइंडसेट है। मतलब अगर आप किसी को पूछे ना करके कि सबसे फेमस वाले फील्ड्स के नाम बताओ, तो सबसे पहला वर्ड जो किसी के मुंह से निकलता है ना, डॉक्टर इंजीनियर निकलता है। आप देख रहे हैं ना कि अपने बच्चों को मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनाना है ना, ये बहुत राइट टीचर बनाना है आप बहुत रेयर केस में सुनोगे, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। फिर आपको बोलेगा कि मुझे जो थोड़ा और एजुकेटेड होगा तो CA बनाना है, पुलिस बनाना है, फिर नाम लेना चालू करेंगे। लेकिन पहला सबसे पहली चीज जो निकलेगी वो डॉक्टर और इंजीनियर मैक्सिमम केसेस में निकलता है, मैंने ये देखा है करके, राइट राइट। अब आज का जो जनरेशन है, जो करंट जनरेशन है, वो इन्फ्लुएंस है सर, और उसके पास जैसे मैंने कहा करके कि डिसीजन लेने की जो क्षमता है, या कह सकते हैं कैपेबिलिटीज है, या इंफॉर्मेशन का जो रिसोर्सेस है, जो अवेलेबिलिटीज है, वो इतना ज्यादा है कि वो बहुत अर्ली डिसाइड कर पा रहा है कि हाँ ये कुछ फैक्टर्स हैं जहां पर मेरा इंटरेस्ट हो सकता है। अब वो डिसाइड कैसे कर रहा है, तो डिसाइड करने के सर मतलब इसके ऊपर हमें काफी एक सेशन रख सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंस होता है। वो अपने पिताजी को देख रहा है कि मेरे पिताजी इंजीनियर है और वो दिन भर इतना स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद स्ट्रेस आउट होकर आते हैं, तो मुझे इंजीनियर नहीं बनना है। बराबर लेकिन एक सेकंड फैमिली में वही बच्चा अपने फादर को देखे मोटिवेट हो जाता है कि मेरे फादर इतना हार्ड वर्क कर रहे, इतना सारा मेरे लिए आलिशान तैयार किया, तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा और मैं भी ऐसा करूंगा करके, करेक्ट। तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। फिर कुछ लोग सोचते हैं करके कि स्कूल में मेरा तो मैथ साइंस में तो बनता नहीं है, और कॉमर्स भी ले लूंगा तो वहां पर मुझे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, अकाउंट्स अकाउंट्स करना पड़ेगा, तो आर्ट्स इजी होता है। मतलब पता कुछ नहीं है सब्जेक्ट के बारे में कि राइट इजी होता है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या साइकोलॉजी है, क्या हिस्ट्री है, बस किसी ने बोला है आसान होता है। तो स्ट्रीम का जो सिलेक्शन बच्चे आज के डेट में कर रहे हैं वो इस बेसिस पर कर रहे हैं करके कि इजी होता है, ठीक होता है और डिफिकल्ट होता है करके, ठीक राइट है। अब आप देखोगे ना कि जो भारी चीज होती है वो बहुत लोगों को पसंद होती है, मतलब हमको लाइफ में चाहिए भले हमसे हो पाए या नहीं हो पाए। तो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ करके कि बच्चे नेगेटिव इन्फ्लुएंस होके या फिर रॉन्ग इन्फ्लुएंस करके या रॉन्ग डिसीजन लेके ज्यादातर केसेस में साइंस ले लेते हैं आज के डेट में। ज्यादातर बच्चे मतलब मैंने ऐसे बच्चे देखे 50% आ रहे हैं साइंस ले रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बच्चा गलत है करके, बट क्यों लिया साइंस, सब लोग ले रहे थे सर इसलिए ले लिया, सर मिल रहा था ना इसलिए ले लिया, सर इंटरेस्ट नहीं था साइंस लेने में। बट 92% वाला जब आर्ट्स लेता है ना सर, वो बहुत क्लियर होता है क्लियर होता है इसने राइट आर्ट क्यों लिया करके। 50% वाला क्लियर नहीं है साइंस क्यों लिया, लेकिन 92% वाला बहुत क्लियर होता है। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उन बच्चों को क्योंकि हायर परसेंटेज आने पर आप प्रॉपर सिलेक्शन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, तो एटलीस्ट उनको ये पता होता है कि सर इसके बाद मैं एटलीस्ट ये करना चाहता हूँ, उसके बाद ये करना चाहता हूँ। जबकि देखो सर मैं और आप भी, मैं सॉफ्टवेयर से होकर एमएनसी में आकर फिर मैं टीचर बन गया, तो हमारा लाइफ हमको कहाँ लेकर जाएगा ये तो किसी को नहीं पता है। बट बराबर शुरुआती डिसीजन जो है वो बच्चे बहुत प्रॉपर ले पा रहे हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं जिनको रिसोर्सेस की कमी है, वहां पर कहीं ना कहीं बच्चे जो स्ट्रीम्स को लेकर थोड़ा धोखा खा रहे हैं। तो कोचिंग हमारे जैसे टीचर्स और स्कूल्स एंड फैटर्निटीज की बहुत यहाँ पर जरूरत है कि प्रॉपर उनको गाइड करें, सेमिनार्स लें, वन ऑन वन काउंसलिंग करें सर। मतलब भेड़ बकरियों की तरह काउंसलिंग तो होती है, वो तो हो गया करके गाइडेंस हो गया है, कॉमन गाइडेंस, लेकिन कॉमन गाइडेंस सबके लिए सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वी शुड डेफिनेटली हैव वन ऑन वन सेशन काउंसलिंग जैसे कुछ होते रहना चाहिए। सर, आप अगर थोड़ा टाइम देंगे तो हम एक आफ्टर 10th एक ओवरऑल एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम इसी तरीके से डिस्कशन करेंगे ऑन स्ट्रीम्स की, मतलब कौन से स्ट्रीम लेने के बाद बच्चा क्या कर सकता है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के घर पे उनके पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं होते, तो उनको वो वीडियो से काफी हेल्प हो पाएगा ऐसे मुझे लगता है। बिकॉज आप अपने साइंस स्ट्रीम के बारे में बताएंगे ये चीजें, एक बच्चा अगर साइंस लेता है तो नॉर्मली साइंस में बहुत लोगों को यही दो स्ट्रीम पता है, जैसे आपने भी कहा कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर बनना है बेसिकली। उसके साथ भी बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल्स है जो एक साइंस करके बच्चा कर सकता है, सिमिलरली कॉमर्स करके, सिमिलरली आर्ट्स करके। तो ऐसे अगर हम एक सेशन रखेंगे बाद में, जैसे बच्चा 10th का एग्जाम देगा, तो वैसा अगर एक सेशन आप अगर टाइम देंगे अपने बिजी शेड्यूल में से, तो थोड़ा बच्चों को भी हेल्प हो पाएगा। अवश्य सर, जरूर, एनी टाइम फॉर स्टूडेंट सर, बच्चों के लिए कुछ भी सर, कभी भी सर, सर डेफिनेटली। काफी काफी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, मतलब ये जो लोगों के माइंड में ये जो चलते रहता है कि कौन सा स्ट्रीम लेना है, क्या लेना है। और एक सर स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से बात करना चाहता हूं मैं, मतलब देखो जैसे वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम है, मैं ऐसे मानता हूँ कि डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, अगर आप प्रिपरेशंस करोगे तो आप क्रैक कर लोगे, लेकिन वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम जिसको इंडिया में नाम दिया है यूपीएससी, तो यूपीएससी जो एग्जाम होती है वो करने के लिए बहुत सारे लोग नॉर्थ साइड में दिल्ली साइड जाते हैं, वहां पे प्रिपरेशंस करते हैं और काफी बच्चे क्लियर भी होते हैं।
तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, वैसे बच्चों के माइंडसेट डेवलप करने के लिए हम उनको किस तरीके से, बिकॉज आप एक कोचिंग इंडस्ट्री में है, तो ऐसे हम बच्चों को कैसे गाइड पर कर पाएंगे कि वैसे माइंडसेट डेवलप हो जाए? ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब बच्चा यूपीएससी क्रैक कर पाएगा, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप बच्चे को पूछो तुझे क्या करना है, तो आप 100 में से 10% बच्चे आपको बताएंगे कि मुझे ये करना है, बाकी जो 90% बच्चे रहते हैं उनके पास ऐसे कोई स्पेसिफिक टारगेट्स या स्पेसिफिक गोल्स नहीं होते हैं। तो हम उनके माइंडसेट में ऐसा पहले क्या डालेंगे कि उनको ये क्लैरिटी आ जाए और फिर वो सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करे, बिकॉज डायरेक्शन सही बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप कहीं पे भी भटक जाएंगे फिर। तो वो हम किस तरीके से ये इनिशिएटिव ले सकते हैं या बच्चों को उनके माइंड में ये सारी चीजें डाल सकते हैं, उसके बारे में सर थोड़ा कुछ बताएंगे तो सबको हेल्प हो पाएगा। ना सर, यूपीएससी स्पेसिफिकली आपने पूछा, यूपीएससी को हम लोगों ने सबसे ज्यादा इंटरनेट से सीखा है, मुझे जहां तक लगता है करके, और मोटिवेट हुए हैं, है ना, वो रेड कलर की बत्ती है नॉल करके। मैं यस भी एक बार मोटिवेट हुआ था, सोचा था करके लॉकडाउन में कुछ हो नहीं रहा था, चलो प्रिपरेशन करते हैं, बट फिर बराबर लॉकडाउन खत्म हो गया तब तक, जब तक प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। तो बराबर मैं कहूंगा सर, स्कूल लेवल, सर स्कूल लेवल से यहाँ पर ना सर एक चीज होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है करके, जो हमारा एकेडमी का सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है, आप मानेंगे नहीं, बच्चों को क्लास 12th में आकर मालूम पड़ता है कि अगर कॉमर्स करना है तो सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन जैसा एंट्रेंस एग्जाम है, साइंस अगर लिया है तो नीट जेई जैसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ग्रेजुएशन कर लिया तो यूपीएससी जैसे आपने कहा, या एसएससी सीजीएल, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन है। लेकिन इन्हीं बच्चों को ये गाइडेंस नहीं दी जाती है। मैं सर आपके वीडियो के माध्यम से, अगर अगर लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली दे विल कमेंट एंड आस्क यू अबाउट दिस करके, सर राइट ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता है कि 10th क्लास के लेवल पर भी कुछ बहुत ही हाई लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, और जो बच्चे लोगों को डेफिनेटली देना चाहिए। मैं एग्जाम का नाम लूंगा सर, एग्जाम का नाम है एनटीएसई, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। ओके मैं सर कह सकता हूं करके कि ज्यादातर लोगों को इस एग्जाम का नाम तक नहीं पता होता है। सर स्टूडेंट जाने दीजिए, बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता होता है, तो टीचर गाइड क्या करेगा बच्चों को? अब जब नाम नहीं पता है, एग्जामिनेशंस नहीं पता है, तो सिलेबस सोचिए क्या पता होगा। राइट तो मैं मेरे बच्चों को यह कहता हूं कि कल को तुम इतना बड़ा बड़ा एग्जाम क्रैक करने वाले हो ना, तो एक काम करो, आपके स्कूल्स में स्कूल लेवल पर नेशनल लेवल के ओलंपियाड्स होने वाले हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होने वाले, एनटीएसई होने वाले हैं, इस एग्जामिनेशन की तैयारियां चालू करो और प्रूफ करो कि तुम उसके लायक हो। तो इसमें बेनिफिट क्या है, मैं आपको बताता हूँ सर। एनटीएसई एग्जाम के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपसे। नो तो दो स्टेज होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो स्टेज 1 जो है ना सर, वो पूरा का पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब आप सोचिए कि अगर एक स्कूल, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पूरे हफ्ते में एक पीरियड एटलीस्ट ऐसा बना दे कि हम बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड सिखाएंगे, तो वो कहाँ हेल्प करेगा मालूम सर? एनटीएसई एग्जाम में तो हेल्प करेगा। एनटीएसई एग्जाम में कहूंगा कि लोगों को सर्च करना चाहिए, सेशन मतलब बड़ा टॉपिक है, तो आप लोग खुद एक बार सर्च करिए इंटरनेट पर, आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। बट आपने एप्टीट्यूड सीख लिया, 12th के बाद किसी बच्चे का मन हुआ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, ठीक है, मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी, नहीं है फाइनेंशियल जितना, तो बच्चा सर एसएससी का एग्जामिनेशन दे सकता है, अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट नहीं हुआ है, 12th के बेसिस पर ग्रुप डी के लिए एग्जामिनेशन दे सकता है। तो ओके वहां पर उसको सर ये एप्टीट्यूड्स एंड लॉजिकल रीजनिंग की आवश्यकता होती है एग्जाम्स को देने के लिए। चलो बच्चे ने प्लान किया करके कि मुझे अभी नहीं करना है, मुझे ग्रेजुएशन के बाद जैसे आपने कहा यूपीएससी देना है, तो किसी का मन करेगा मुझे बैंक का पीओ देना है, किसी का मन करेगा एसएससी सीजीएल देना है। ये एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बच्चों बच्चों को हर एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाला है, हर एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ही लोअर लेवल से बच्चों के मन के अंदर इन सब्जेक्ट के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप करने की जरूरत है सर, उनको प्रॉपर गाइड करने की जरूरत है, चैनलाइज करने की जरूरत है। हम बच्चों के मन में यूपीएससी तो डाल रहे हैं, लेकिन बैंक पीओ का क्या, एसएससी सीजीएल का क्या? बच्चे मुझको पूछते हैं सर ये सीबीआई ऑफिसर बनना है तो क्या करने का, सीआईडी ऑफिसर बनना है तो क्या करने का, सर ये नार्कोटिक्स में कैसे जाते हैं, आईएएस आईपीएस सबको पता है, लेकिन ये बाकी सारी चीजें क्या? तो ये सभी तो गवर्नमेंट जॉब्स है ना, ये सभी तो बहुत है ना ग्रेट लेवल के है ना सर, तो इनके बारे में भी अवेयरनेस प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, प्रॉपर कैंपेन्स होने चाहिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर। तो मुझे लगता है करके कि बच्चे प्रॉपर डिसीशंस ले सकते हैं, एंड यस देर आर टीम, देर आर टीचर्स, देर आर कोचिंग जो स्पेसिफिकली इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए काम कर रहे हैं सर, इनकी तैयारियां करवा रहे हैं। तो अगर शुरुआत हो सर, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा करके कि बच्चे लोगों को इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से स्कूल लेवल से गाइडेंस मिले, लेकिन डेफिनेटली क्रैकिंग डाउन समटाइम। सर काफी अच्छा लगा, काफी काफी क्लैरिटी के साथ मतलब आपने ये चीजों को एक्सप्लेन किया है।
तो सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये आपकी जो जर्नी है, मतलब एमएनसी से लेके कोचिंग क्लासेस, अभी हम एक एंटरप्रेन्योर के बेस पे आपको कह सकते हैं, तो ये सर ये जर्नी में आपका जो ओवरऑल माइंडसेट था, कभी आपके मन में ऐसा फियर या ऐसा कुछ माइंड में आया कि पता नहीं कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, या बिकॉज इतने सारे ब्रांचेस को हैंडल करना, इतने सारे बड़े लेवल पे टीम को हैंडल करना और बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या कभी आपको स्ट्रेस, जो आजकल बहुत लोगों में स्ट्रेस है, बच्चों में भी स्ट्रेस है, स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कुछ भी सब्जेक्ट में, अगर उनको अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो वैसे आपके लेवल में मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेस आया है क्या आपको इससे, कि एकदम स्मूथ जर्नी था ये जो भी आप यहाँ तक पहुंचे अभी, उसके बारे में एक हम डिस्कस कर सकते हैं सर? मेडिकल में सर एक चीज होता है कि लाइन जब स्मूथ हो जाए ना, मतलब आप जिंदा नहीं हो। तो जर्नी तो स्मूथ तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं सर। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आपके लाइफ के साथ ही चल रही होती है। स्टूडेंट्स, अभी जब आप कोचिंग ओनर होते हो, तो कोचिंग ओनर के साथ साथ सर सबसे पहले मैं टीचर हूँ। मतलब मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि मैं 4 घंटे बच्चों को कम से कम दिन भर में पढ़ाऊं घर। मेरा डे सुबह 6 साढ़े 6 बजे शुरू हो जाता है। 6:30 में पहला लेक्चर लेता हूँ, रात के 9 साढ़े 9 तक मेरा लेक्चर चलते रहते हैं। कभी कभी लेट्स भी होते हैं। मैं ऑनलाइन क्लास तो उतना मतलब रेयरली कभी कर लिया तो कर लिया बच्चों के इंटरेस्ट पर, बट नहीं जाता हूँ। बट यहाँ पर हमको बहुत सारे चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है। टीचिंग, मैनेजमेंट, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, टीम मैनेज करना, जैसे आपने कहा भी, मैंने पिकनिक हमने अभी जस्ट किया, तो हर एक चीज, फिर पेरेंट्स काउंसिलिंग, स्टूडेंट काउंसिलिंग, देर आर टू मेनी थिंग्स सर वी हैव टू हैंडल। बट एट दी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जैसे कहते हैं ना आपने कहा कि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस सबसे ज्यादा हम लोगों को तब आता है जब बच्चों का एग्जामिनेशन आता है। बच्चों का एग्जाम मतलब हमारा स्ट्रेस चालू करके, फिर हमारा स्ट्रेस थोड़ा अपर हो जाता है जब उनका रिजल्ट आने वाला होता है, और रिजल्ट आ गया तो थोड़ा हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं करके। तो एक्चुअली में लोगों को लगता है करके कि साल खत्म होता है हम लोग स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी में लग जाते हैं। लग जाते हैं कंप्लीटली करके। तो स्ट्रेस तो सर कंटिन्यूस है, और एमएनसी में थे तभी भी है, यहां पर भी है, लेकिन ये मजा है सर बच्चों के साथ रहना। मतलब एक कनेक्टिविटी, एक बॉन्डिंग होती है मेरी हर ब्रांचेस पर लगभग सारे बच्चों को मैं लगभग लगभग नाम से जानता हूँ। मैंने कहूंगा सबको, लेकिन लगभग मैं सारे बच्चों को नाम से जानता हूँ जिन जिन बैचेस में मैं पढ़ाता हूँ करके, जिसके वजह से मैं वो 1-to-1 बिल्ड कर पाता हूँ उनके साथ। मेरे स्टाफ, मेरे सर, टीम इतनी औसम है कि आप समझ सकते हो कि 5 से 6 ब्रांचेस को हैंडल करना, लगभग 35-40 का हमारा टीचिंग स्टाफ है करके, तो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों को मिलाकर। तो हर एक सेंटर पर जो मेरे सेंटर मैनेजर्स हैं, जो मेरे बाकी एडमिन स्टाफ्स हैं, जो टीचिंग स्टाफ्स हैं, दे आर सो कोऑपरेटिव विद ईच अदर करके, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिटिक्स जैसा कुछ नहीं है। कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, डेटा ट्रांसमिशन, ट्रांसपेरेंसी, हर एक चीज को लेकर हम काफी, मतलब मैंने बहुत वर्कआउट किया है, और उसके वजह से कोचिंग बहुत बेहतरीन चल रही है। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे करके कि हम बच्चों को बेस्ट से डेफिनेटली बेस्ट सर्विसेज दे, और लगे हुए सर मतलब पढ़ा रहे हैं बच्चों को अच्छे से। बढ़िया सर, बढ़िया, काफी अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, बहुत सारी चीजें बहुत सारे क्लैरिटी के साथ, मतलब कंप्लीट क्लैरिटी के साथ, ऐसा अभी किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं, बिकॉज हमने काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे, आपने उसको एक एक क्वेश्चन को इन डिटेल जाके काफी अच्छी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स लेके एक्सप्लेन किया है, वो काफी बढ़िया लगा सर, और इसी तरीके से हम बच्चों को गाइड करते रहेंगे, आने वाले टाइम में हम एक अलग टाइप से एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम स्ट्रीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बच्चे यहाँ वहां भटक जाते हैं उनको पता नहीं चलता है कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, तो ये एक सेशन ड्यू रहा सर, वो हम जरूर करेंगे और मैं आपको अप्रोच करूंगा उसके बारे में, और उसके ऊपर हम फिर एक टाइम स्लॉट लेके वो भी डिस्कशन करेंगे सर। काफी बढ़िया लगा, थैंक यू सर फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप कि ऑडियंस आप सभी को ये पॉडकास्ट से काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो जो सर ने कहा है वो आप ध्यान से अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो, और अगर आपको कोई भी चीजों के बारे में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में संदीप इंस्टीट्यूट का भी यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एंडिवर्स सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू।